टैली चैप्टर 231। आज का टीडीएल सेशन मेरी एक पुरानी वीडियो का अपग्रेडेड वर्जन है, या पार्ट टू आप कह सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बल्क पेमेंट करना सिखाया था किसी एक्सपेंस का। किसी पर्टिकुलर फिक्स डेट पर आप कोई पेमेंट हर महीने करते हैं, तो उसके लिए आपको मैंने सॉल्यूशन दिया था उस वीडियो के अंदर। तो बहुत सारे साथियों ने रिक्वेस्ट की कि उन्हें डेली एक्सपेंस के लिए बल्क एंट्री की आवश्यकता है पेमेंट की। उन्होंने एग्जांपल्स भी मेंशन किए, जैसे उनके ऑफिस में रोज़ चाय आती है तो चाय की पेमेंट वो शाम को करते हैं, तो उसकी एंट्री हर दिन की कैसे होगी। और उसी के अकॉर्डिंग मैंने उनके लिए ये वाउचर एंट्री बताई है कि बल्क वाउचर एंट्री कैसे होगी पेमेंट की किसी एक्सपेंस के लिए। और आप चाहें तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आप जैसे किसी पुराने डेटा की एंट्री करना चाहते हैं एक साथ सारी, तो ये वीडियो आपकी मदद करेगा। आपको भी कोई टीडीएल बनवानी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके लिए टीडीएल बन जाएगी, इसके बारे में हम अभी बात भी करेंगे। चलते हैं, सबसे पहले हम अपने बल्क पेमेंट के ऑप्शन पर, ऑटो पेमेंट वाउचर्स। अच्छा देखिए, यहाँ पर नो वाउचर एंटर्ड, यानी कि इस कंपनी में इस समय एक भी एंट्री नहीं है, ब्लैंक चल रहा है। चलते हैं अपने सिस्टम पर, और यहाँ पर मैंने अभी कुछ टाइप किया, उसको आप ब्लैंक कर दो, ठीक है, खाली रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद में आप कोई एंट्री भरना चाहें तो भर सकते हैं, ठीक है। तो मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपको मेंशन करना होगा यहाँ पर स्टार्टिंग डेट क्या है। अच्छा, साथियों के साथ में ये भी आएगा कि बहुत सारे साथियों के पास एजुकेशनल वर्जन होगा काम करने के लिए, क्रैक नहीं होगा तो भी आपका ये सिस्टम काम कर जाएगा। मैंने यहाँ 1 अप्रैल की एंट्री ली और एंड डेट मैंने 1 मार्च कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें टोटल जो नंबर ऑफ डेज हैं वो 334 मिल रहे हैं ओवरऑल, 334 दिन की एंट्री होगी अगर 1 मार्च तक हम इसे कैलकुलेट करें तो। उनका ऑफिस 24/7 चल रहा है, सम काइंड ऑफ मार्केट रिसर्च के काम करते हैं वो लोग, तो उनका ऑफिस 24/7 चलता है अलग अलग शिफ्ट के अकॉर्डिंग, ABC शिफ्ट में। तो उसके अकॉर्डिंग उनको जो रिक्वेस्ट दी गई उन्होंने, मैंने वो पूरा किया है। बाकी आपको कोई मॉडिफिकेशन करवाना हो तो आप करा लेना। मैंने यहाँ पर इसको सेट किया कि भाई मुझे इतनी एंट्री चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में मुझे बताना होगा पेमेंट कैसे हो रही है, कैश में हो रही है, चेक में हो रही है, वो आप ले लीजिए। एक्सपेंस का नाम बताइए, मैंने कहा जी मोबाइल बिल मैंने लिखा ये है, नहीं तो आप क्रिएट कर लीजिएगा। मोबाइल बिल की जगह पर आप टी बिल ले सकते हैं, वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं। इसके बाद में अमाउंट क्या है उसका, एक रेगुलर अमाउंट हम ले लेते हैं, जैसे 120 रुपये ये लिया हमने। सेलेक्टेड एंट्री का अमाउंट बल्क चेंज करना, वो वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है। अगर आपको लगता है कि नहीं अमाउंट 120 रुपये पर डे नहीं है तो क्या होगा, अब अलग अलग तो देखो अमाउंट नहीं फिल किया जा सकता ना। आप कहो जी 1 तारीख को 100 रुपये की पेमेंट, 2 तारीख को 150, 3 तारीख को 500 रुपये की, तो सिस्टम कोडिंग तो फिर वो इंडिविजुअल हो गई, वो तो आप सीधे सीधे अपने आप कर लेना, ठीक है, फिर इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी क्योंकि फार्मूला नहीं बन पाता है उसमें। तो ऐसे में हमने इसका सिस्टम डेवलप किया कि एक फिक्स अमाउंट आप बताएं, वो डाल दिया है। बल्क अमाउंट चेंजर की वीडियो ले लीजिएगा, एंटर करते हैं। इसको थोड़ा टाइम लगेगा प्रिपेयर करने में, 10 सेकंड के अंदर ये तैयार हो जाएगा, रेडी। मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग जो आपने देखा यहाँ पर वो तैयार हुआ, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 31 मई, इस तरीके से एंट्री है, क्योंकि 3, 4, 5 तारीख मैंने इसको एजुकेशनल के हिसाब से अभी डिस्प्ले कराया है, ठीक है। तो हमें रेगुलेट करना होता है कि हम एजुकेशनल पर काम करते हैं इसलिए, ठीक है, क्रैक पे हम डिस्प्ले नहीं कराते हैं अपनी वीडियोस को। तो आपके सिस्टम पर क्या होगा कि वो
फर्स्ट से लेके 31st तक जो भी मंथ के नंबर ऑफ डेज होंगे यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। काम कंप्लीट हो गया, स्किप करते हैं, डिस्प्ले डे बुक में चलते हैं। एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, ये रही एंट्री। आपने यहाँ F4 पेमेंट वाउचर ये लिया, और F2 फर्स्ट अप्रैल से लेकर के 1 मार्च तक की एंट्री ये हो गई, तो डेली एक्सपेंस की एंट्री हो गई। कोड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप इसे वीकली बना सकते हैं, इसी कोड को मंथली कर सकते हैं, ईयरली जैसे भी आपको सुविधाजनक लगे वो कर सकते हैं, कोड पर चलते हैं। ठीक है, तो हमारे साथी चौधरी साहब की रिक्वेस्ट थी कि वीकली डेली एक्सपेंस पर काम करना है, वो कर दिया गया, उनका वीकली पर भी काम चल रहा है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आप लोग खुद भी कर लेंगे तो काम बन जाएगा। कोड बहुत छोटा तो नहीं कहूँगा, थोड़ा बड़ा है, ठीक है, उस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। ये कोड आपको मिल जाएगा ब्लॉग पर, थोड़ा सा कोड में काम है तो ये आपको 2 दिन बाद अपलोड मिलेगा, क्योंकि बीच में 2 दिन फेस्टिवल की छुट्टी चल रही है, तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं और कर रहा हूँ ताकि इसको वीकली पर भी आपके लिए सेट कर दूँ। ठीक है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। वीडियो जिन्होंने पूरी देखी है वो कमेंट करके कोड की रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, 2 दिन बाद ही करेंगे। जो लोग बीच बीच में वीडियो देख रहे हैं तो वही कमेंट कर पाएंगे, कमेंट पढ़ के भी आप समझ जाओगे कि इन साथियों ने अभी तक वीडियो पूरी नहीं देखी है, नहीं तो मैसेज क्लियर हो गया होता उन्हें। तो ये है, यहाँ तक काम हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, मैं आपको सस्पेंस में भी क्यों रखूँ, जहाँ तक कोड हो गया ना, मैं वहाँ तक कोड तो आपको शेयर कर ही दूँगा। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा 2 दिन में, उसके बाद वीकली वाला मैं अपना ऐड करता रहूँगा। तो ये ले लीजिएगा आप कोड। कोड लेने का तरीका बड़ा सिंपल रहेगा, परसों एक कोड मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, सबसे नीचे ब्लॉग कोड का एड्रेस है, क्लिक कीजिएगा, मेरा ब्लॉग पेज खुलेगा, वहाँ पर कोड को सिलेक्ट कीजिएगा, कॉपी कीजिएगा, नोटपैड पर पेस्ट कीजिएगा, पूरे का पूरा कोड काम कर जाएगा। यहाँ पर 100% कोड आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा 2 दिन में ही। ठीक है, तो हमारा चैनल लगातार आपके लिए वीडियोस बना रहा है TDL से रिलेटेड। यहाँ पर आप देखेंगे सैकड़ों की संख्या में TDL है, जो आप लोगों की रिक्वेस्ट है, डिटेल में एग्जाम्पल लिख करके आप बताइए, और आपके लिए TDL तैयार हो रही है धड़ाधड़। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैंने अपना टैली चैप्टर 230 सक्सेसफुली 31 कंप्लीट किया, बढ़ते हैं टैली चैप्टर 232 की ओर।